नमस्ते दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक में आए हैं, वो ये ग्लिचवेयर को कैसे बदलना है, उसमें क्या क्या फॉल्ट आएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ग्लिचवेयर इधर ही ख़त्म होता है, इसके अंदर ही क्लच होता है, इसको इससे ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर ग्लिचवेयर लीवर में कनेक्ट होगा, पहले हम इसको कैसे खोलना मैं सिखाता हूँ। देखिए ये ग्लिचवेयर है, इसमें क्या क्या फॉल्ट आएगा ना, जो उधर पिंडा था ना उधर एक फॉल्ट आएगा, जब हम टर्न करेंगे तो दो अधिक बार ये मुड़ता है ना, इसके लिए इधर क्रैक होने का अधिकतर चांस है, इसके कारण भी क्लच वायर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये लीवर के अंदर एक नट से हम क्लच वायर को बांधा है, पहले हम इसको लूज़ करना है। देखिए हमने पहले लूज़ कर दिया, फिर नीचे की ओर दो नट होएगा, एक ऊपर का और एक नीचे का। मैं पहले ऊपर की नट को लूज़ करता हूँ, देखिए ऊपर का नट है, मैं भी उसको लूज़ कर रहा हूँ। अभी नीचे के एक नट होगा, उसको भी मैं लूज़ कर रहा हूँ। देखिए नीचे की नट है, फिर नीचे को दबाना है, जो क्लच लीवर है ना उसका पहले आपको दबाना है। देखिए मैं भी क्लियर से दिखाता हूँ, ये दूसरा का नट है नीचे होगा, उसको पहले लूज़ कर देते हैं, फिर उसके बाद लीवर को खींचने से बाहर आ जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपकी अपने गाड़ी की क्लच वायर को आसानी से बदल सकते हैं। फिर ऊपर की एंड को पूरा लूज़ कर देते हैं, देखिए अभी इसको घुमाकर नीचे की ओर हम इसको दबाने से नीचे आ जाएगी। देखिए उसको ऐसे हिलाना है, देखिए हाँ बस हो गया, जो बार बार जो विंडो था ना उसके कारण ही क्रैक होने का अधिक चांस होता है। अब हम दूसरे क्लच वायर को बदलेंगे, देखिए एक नॉब दिख रहा है ना, इसके अंदर ही क्लच की एंड को अंदर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जो लेंथ नॉब है ना उसमें वायर को बाहर से अंदर दबाना है, फिर वो नट को लगाने से ऊपर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ स्टेप वन क्या है, क्लच वायर को थोड़ा बाहर निकालना है,
बाहर निकालने के बाद फर्स्ट स्टेप अंदर प्रेस करना है, देखो अंदर चला गया। फिर अंदर की क्लच वायर को खींचते खींचते ही उस गैप खत्म हो गया, बस इतना ही है दोस्तों। फिर आप नट को लगाने से वो फिक्स हो जाएगा। देखिए बस फिर क्लच की कवर को हम लगा देते हैं। फिर क्लच की डाउन वायर को हम ऊपर की गैप से बाहर खींचते हैं। देखिए फिर हमें क्या करना है, नीचे की नोजल है ना, उसको खींचते ही उस गैप होगा उसके अंदर ऐसे लगा देना है। देखिए इसे लगाकर अंदर प्रेस करने से फिक्स हो जाएगा। फिर नीचे की नट को टाइट कर देना है। जब वो लूज़ कंडीशन में होगा तब पहले हमको इस क्लच लीवर में इसको फिक्स करना है। उस नोजल को फिक्स कर दिया हमने, अब टाइट करना ही बाकी है। देखिए मैं नीचे की नट को घुमाने से ऊपर जाएगा, ऊपर की नट को घुमाने से नीचे आएगा। जब आपको कितना भी लेवल हो या फुल क्लच चाहे हो या तो आपको हाफ क्लच चाहे हो, इस टाइट से ही बदल सकते हैं। अगर अधिक टाइट आप करेंगे तो वो फुल क्लच बन जाएगी, जब टाइट को आप थोड़ी सी लूज़ करेंगे तो ये हाफ क्लच में होगी। मैं अभी फुल टाइट करता हूँ फुल क्लच के लिए। बहुत टाइट नहीं करना है क्योंकि टाइट ज़्यादा करने से क्लच हॉन हो जाएगा, तो आपको गियर गाड़ी अंदर सामने नहीं जाएगी। देखो मैंने फुल क्लच में रखा है। धन्यवाद। आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।